बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे ये बता कि तेरे बाप का भागीदार कौन है? एक बार उसका नाम बता दे, फिर मैं तुम दोनों अलग हो दूंगा। बाबूजी आपके ऐसा करने से मैं उसका नाम बताने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी आपको उसके नाम जानने से ज्यादा मेरी भलाई के बारे में। कुंती कब तक खामोश रहे? बता दे, आज बता दे अपने बाप को उसका नाम, और ये भी बता दे कि तुम्हारा बाप उसे अच्छी तरह जानता है। उसी के जिसने कुंती को अपने बच्चे की माँ बनाकर छोड़ दिया। कुंती अब तो बता दे, कुछ तो बोल। कुंती अब मैं तेरी खामोशी का ख्याल नहीं करने वाली। गजेंद्र जिसने कुंती की जिंदगी बर्बाद की वो यही है, और वो है ये मन। कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ, कुंती चुप रह सकती है लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बाबूजी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्यों तूने कुंती की जिंदगी तबाह नहीं की? ओ इधर, छोड़ दो इसका गला, दबा दो इसका गला। सब कुछ जानने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर सकते गजेंद्र, क्योंकि तुम एक कायर इंसान हो। चलो अब तुम्हें अपने बाप से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, आओ मेरे साथ। बाबूजी, 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 बाबूजी मेरी बात सुनिए, बाबूजी, खून काफी बहा है क्या? घाव भी ऐसा है, खून तो बहेगा ना।
अपनी मनमर्जी करने का यही नतीजा होता है। बेदर्दी से मारा, आखिर क्यों? ये तुम कुंती से ही पूछो। इसे अचानक अपने बाबूजी पर प्यार जो उमड़ आया था। तुम तो करण को वापस दिलाने के लिए अपने बाबूजी से मदद मांगने के लिए गई थी ना, तो अब ये क्या हुआ? बोलो कुंती। लेकिन ये क्या कुंती, चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? अब तो तुम्हें अपने बाबूजी से कोई उम्मीद नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें बाबूजी से अब तक क्या हासिल हुआ है? आज तक दिल पर घाव मिले थे और अब जिस्म पर भी। सरला दीदी, आप इस तरह की बातें करके मेरे घाव को और भी गहरा करना चाहती हैं क्या? समझ में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने उस तरह इसको मारा क्यों? उसका बस चलता तो वो इसे जान से मार डालता। ये तो अचानक मैं वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। काश के बाबूजी मुझे अपने हाथों से ही मार डालते, सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। सरला दीदी, सब कुछ जानकर भी उस आदमी को सजा नहीं दे सकता जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी? ये गजेंद्र की कायरता है। तुम पर हाथ उठाकर उसने कोई बहादुरी नहीं दिखाई। अगर हिम्मत है तो उस पर हाथ उठाकर दिखाए जिसने उसकी आंखों में धूल झोंककर तुम्हारे साथ धोखा किया। सलाह दीदी, आपने बाबूजी के सामने मन का नाम लेकर अच्छा नहीं किया। वो तुझे कलंकिनी पापिन समझकर सजा देते रहे और मैं कुसूरवार का नाम नहीं बताती? अब उसका नाम बताने से क्या मेरा कुछ भला हो सकता है क्या? गजेंद्र को तो इस बात का पता चलना चाहिए कि वो नीच गिरा हुआ इंसान है कौन। कंपाउंडर बनकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके गजेंद्र के सामने सच्चा बना रहे, ये नहीं हो सकता। सरला दीदी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मन की तो नई नई शादी हुई है। अगर उसकी पत्नी को सच्चाई पता चल जाएगी तो उस बेचारे के मन पर क्या गुजरेगी? उसकी पत्नी को भी पता चलना चाहिए कि उसके पति ने किसी को धोखा दिया है। आखिर वो किसी के बच्चे का पिता है। नहीं, इससे होगा क्या? क्या मुझे मेरा कर्ण का पिता मन वापस मिल जाएगा? नहीं, आज मन को सामने देखकर भी मैं चुप रही तो सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि मन की पत्नी की जिंदगी तबाह हो जाए। कुंती अपनी जिंदगी तबाह होते हुए देख सकती है, लेकिन किसी और की नहीं। क्या सरला दीदी, मन वहां था? हाँ, और उसके सामने मैंने गजेंद्र को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि असली गुनहगार कौन है। इतना सब बताने के बाद भी उन्होंने मन को कुछ नहीं कहा तो उससे क्या होगा? क्या मन अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझे अपना लेगा? नहीं सरला दीदी, नहीं। मन को मुझे धोखा देना था, सोचने दिया, बस बात खत्म हुई। बात खत्म नहीं हुई कुंती। अगर उसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है तो कहीं मुंह छिपाए बैठा होगा। अब जब खुलासा हो गया तो उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी से बात करने की। आपसे कुछ बोलकर गए हैं? नहीं तो। लेकिन माँ जी, इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। आ जाएगा, वो कोई बच्चा थोड़ी ना है जो उसके लिए तुम इतना परेशान हो। माँ जी, वो बिना बताए कभी नहीं जाते हैं। आजकल अपने कामकाज को लेकर कुछ परेशान है, गया होगा किसी से मिलने। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग इस शहर में तो आ गए, कोई काम भी नहीं है। अगर मन को कोई नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? इसके लिए तुम्हें डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। माँ जी, आज आप हैं, लेकिन कल का क्या होगा? आज की चिंता करो बहू, कल किसने देखा है? तुम्हें मन पे भरोसा रखना चाहिए, वो जरूर कुछ ना कुछ करते। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मन जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उन्हें कोई नौकरी मिल जाए। वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। आगे तुम तो।
कहाँ चले गए थे सुबह से बिना कुछ बताए? डॉक्टर साहब, मेरा मतलब बाबूजी के पास। क्या बात है मन, वहाँ कोई बात हो गई क्या? तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है मन? हाँ मन, तुम बताते क्यों नहीं हो? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। बात कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग क्यों खामखा मेरे पीछे पड़ जाते हो बात पर? अच्छा, दिन भर की थकान होगी, जाओ तुम चाय बना के ले आओ। ठीक है। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरा मूड नहीं है। मन, क्या हो गया मन को? मैं पूछ के आती हूँ। ठहरिए माँ जी, मैं पूछती हूँ। जरूर डॉक्टर साहब ने मन से कुछ उल्टा सीधा कहा है, वरना मन इस तरह से परेशान नहीं होता। मैं जाके पूछूंगी। क्या हुआ मन? कुछ तो बात है, वरना तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है? बाबूजी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ क्या? मैं क्यों झगड़ूंगा उनसे? मुझे लग रहा था कि तुम आज काम की बात करके आओगे, तुम फिर उदास चेहरा लेकर चले आए। पुष्पा, आज जो मैंने उनके घर में देखा और सुना, उसे देखकर मैं परेशान हूँ। ऐसा क्या देखा तुमने? तुम्हें मालूम है ना, बाबूजी की बेटी कुंती। हाँ, क्या हुआ कुंती को? कुंती आश्रम से बाबूजी से मिलने आई थी, उसे वहां आया देख बाबूजी को गुस्सा आया और उन्होंने उसको मारा। मन, ये उनके आपस की बात है, इसके लिए तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। पुष्पा, कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह मारता है? अरे, उसके माथे से खून बह रहा था। क्या बात है, आज कुंती के लिए बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई। तो इंसानियत के नाते पुष्पा, अरे अगर तुम वहां होती तो तुमसे भी वो सब नहीं देखा जाता। कुंती के प्रति बाबूजी का व्यवहार हमेशा से यही था, इसमें कोई नई बात नहीं है। पुष्पा, बेटी को डांटना, उसे बुरा भला कहना समझा जा सकता है, लेकिन उसे इस बुरी तरह से मारना? मन, जब तुम वहां थे तो रोक लेते ना, बाबूजी को समझाते। अरे, मेरे पहुंचने से पहले ही वो सब कुछ हो चुका था, बेचारी अपने माथे को पकड़े खड़ी थी, इतना बड़ा घाव हो गया था। क्या बात है, घाव उसे हुआ है और दर्द तुम्हें हो रहा है। पुष्पा, तुम हर बात का गलत मतलब लगा लेते। मन, अब तुम इतने कोमल हृदय के भावों के इंसान तो हो नहीं, जो कुंती की जरा सी चोट देखकर इतने उदास हो गए। कहीं उदासी की वजह कुछ और तो नहीं है ना? वजह क्या, क्या वजह हो सकती है? मन, ये तो तुम बेहतर जान सकते हो, मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम्हें तो कोई बात बताना बिल्कुल बुरा है, इसीलिए मैं चुप था। जब कुंती के लिए इतनी हमदर्दी पैदा हो गई है, तो उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ? मन, जब तुम कुछ कर नहीं सकते ना, तो उसकी चिंता भी छोड़ दो, उस बेचारी का तो भगवान ही मालिक है। खैर, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ।